गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम, इस नियम को आपने 12th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था और यहां पर भी पढ़ना है अपने को। अब इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उस इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है उनको एक साथ अपन सही तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि स्थिति का निर्धारण करोगे तो संवेग में क्या आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाती है। और अगर संवेग का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में क्या आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है। मींस अपन कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसके संवेग को एक ही समय में सही तरीके से ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट correctly in a single time. If you calculate the position, then uncertainty in the momentum, and if you calculate the correct momentum, then uncertainty in the position, मतलब कि अगर उसका मोमेंटम सही कैलकुलेट करोगे तो पोजिशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और पोजिशन को सही कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसको मैथमेटिकल रूप से यू लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई, और डेल पी, पी बराबर क्या होता है, एम वी। सो इसको यू भी लिख सकते हैं, डेल एक्स एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई, और इसी को यू लिख सकते हैं, डेल एक्स एम डेल वी ये इस प्रकार से जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिखी जा सकती है, डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। मतलब कि यदि डेल एक्स में बिल्कुल सही कैलकुलेट करोगे तो डेल पी या डेल वी में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी, और अगर डेल वी या डेल पी कैलकुलेट करोगे तो डेल एक्स में क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। ये जो प्रिंसिपल है वो किसका है, हाइजेनबर्ग की थ्योरी है, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति और उसके संवेग को एक साथ सही रूप से ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।